आउट इंग्लिश हब, आई एम रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेंटेंस जो हमने किए थे किसके आधार पर किए थे, संरचना के आधार पर, सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आज हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पर सेंटेंसेस होंगे उनको हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप कभी नहीं भूल पाओगे कि सेंटेंस है जो स्ट्रक्चर के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस की। तो देखिए, एक्सरसाइज है हमारी, राहुल लुक्ड फॉर सम टाइम एट हिज मदर एंड वेंट टू द स्कूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटेंस मैंने आपको बताए थे कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप्स के। तो फर्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर, तो फर्स्ट कौन सा होता है, सिंपल। तो फर्स्ट है हमारे पास सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड फोर्थ वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये फोर टाइप्स थे हमारे पास, आज इनसे ही रिलेटेड हमारे पास ये सेंटेंसेस है। राहुल लुक्ड फॉर सम टाइम एट हिज मदर एंड वेंट टू द स्कूल। राहुल ने कुछ समय के लिए अपनी मदर की तरफ देखा और फिर वो स्कूल चला गया। तो देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, राहुल क्या है, एक सब्जेक्ट हुआ हमारा, क्योंकि सारा सेंटेंस है जो किस पर बेस्ड है, राहुल पर है। राहुल ही यहाँ पर क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। लुक्ड फॉर सम टाइम एट हिज मदर, उसने कुछ समय तक किसकी तरफ देखा, अपनी मदर की तरफ देखा और फिर स्कूल चला गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हमारे पास, ये सब्जेक्ट हुआ और बाकी सारा बचा हुआ जो यहाँ पर रहेगा वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये सारा क्या हुआ, प्रेडिकेट, जिसमें खुद का सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, यानी कि खुद का एक सब्जेक्ट होगा और वहाँ पर एक क्या होनी जरूरी है, वर्ब होनी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और क्या है यहाँ पर, ये इसी के बारे में ही है, तो ये भी क्या हुई, वर्ब, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट यहाँ पर एक थॉट निकल कर आती है, एक बात है पूरी की पूरी कि राहुल के ही बारे में ये है पूरी बात। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कितने क्लोजेज है। तो मैंने यहाँ पर क्लोजेज बताई थी आपको कि जिस सेंटेंस में एक क्लोज होगी वो कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कितने क्लोज होगी, ओनली वन, यानी कि सिंगल। सिंगल क्या होगी, उसमें क्लोज होगी। और दूसरी बात क्या थी, कौन सी होगी ये क्लोज, हमेशा इंडिपेंडेंट होगी, यानी ये कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सी होती है, जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये कौन सी हुई, इंडिपेंडेंट क्लोज हुई। और क्या है, ये सिंगल है, पूरी एक ही बात यहाँ पर कही गई है राहुल के बारे में। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, तो ये हमारा हुआ सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ से आपको पता चला कैसा सेंटेंस है ये, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मैरी टीच द स्टूडेंट्स। मैरी बच्चों को पढ़ाती है, हु लिव इन द नेबरहुड। तो यहाँ पर देखिए आप, मैरी बच्चों को पढ़ाती है, जो यहाँ पर जो कहाँ रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं। दे मीट इन द इवनिंग आफ्टर शी कम्स होम फ्रॉम वर्क। जब वो अपने काम करने के बाद वर्क से कहाँ आती है, घर आई, तो उससे मिलने के लिए वे सभी आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सेंटेंस हम काउंट करते हैं कितने हुए। तो देखिए, मैरी टीच द स्टूडेंट्स हु लिव इन द नेबरहुड। तो यहाँ पर देखिए, मैरी क्या करती है, बच्चों को पढ़ाती है, जो कहाँ पर रहते हैं बच्चे, नेबरहुड में रहते हैं, यानी पड़ोस में रहते हैं। तो देखिए, मैरी टीच द स्टूडेंट्स, ये कैसा हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुई, कैसे हुई है, इंडिपेंडेंट क्लोज हुई। और हु लिव द नेबरहुड, जो कहाँ रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं। अब जो से एक क्वेश्चन निकल कर आया, हु लिव इन द नेबरहुड, जो रहते हैं, अब जो रहते हैं तो कौन रहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या आया, हु,
हु लिव इन द नेबरहुड। तो कौन रहते हैं नेबरहुड में, ये यहाँ पर इसका जवाब कहाँ मिलता है, इसका आंसर कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमें फर्स्ट सेंटेंस में, यानी कि ये क्या हुई हमारी इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास, ये अगर इसका हम आंसर जानना चाहते हैं तो हमें किस पे जाना पड़ेगा, तो वापस हमें किस पर आना पड़ेगा, इसी सेंटेंस पर, इसी क्लोज पर आना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लोज पर आना पड़ेगा। तो ये हमारी क्या हुई, डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट या फिर इसका ही दूसरा नाम है सुबॉर्डिनेट क्लोज। और देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, दे मीट इन द इवनिंग, वे कब मिले, शाम को मिले, आफ्टर, अब देखिए आफ्टर आ जाता है जहाँ पर, या फिर कोई भी कंजंक्शन है, कौन सी कंजंक्शन हुई है, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है ये हमारी, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन सी होती है, अगर आपने वो पढ़ी हो तो। सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है, जो किसी के अधीन होती है, यानी किसके बारे में बताएगी वो, टाइम के बारे में बताएगी, प्लेस के बारे में बताएगी आपको, या फिर कोई ना कोई पर्पज बताएगी, उद्देश्य बताएगी, रीजन बताएगी आपको। तो यहाँ पर क्या है, दे मीट इन द इवनिंग, वे इवनिंग में मिले, जब वो, तो आफ्टर शी कम्स होम फ्रॉम वर्क, यहाँ पर क्या निकल कर आया, जब वो कहाँ से वापस आई, वर्क से वापस आई। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर क्या होता है, बाद में मिले, जब वो काम से वापस आ गई। तो जब भी यहाँ पर सेंस निकल कर आती है तो ये क्या हुआ हमारा, टाइम हुआ। तो टाइम से रिलेटेड है तो कौन सी होगी वो, सुबॉर्डिनेट क्लॉज यानी सुबॉर्डिनेट कंजक्शन होगी। तो जहाँ पर देखिए क्या है, कितने सेंटेंस हुए यहाँ पर हमारे पास, थ्री सेंटेंसेस। तो देखिए वन क्या है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट हुई, उसके बाद ये हमारी क्या रही, कौन सा सेंटेंस हुआ ये, यहाँ पर क्या है हमारी, इंडिपेंडेंट क्लोज है ये भी, और आफ्टर शी कम्स होम फ्रॉम वर्क। तो इतना सेंटेंस आफ्टर से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस क्या हुआ, डिपेंडेंट। तो जहाँ पर क्या होगा, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज होती है, तो एट लीस्ट कितनी, वन डिपेंडेंट, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो देखिए जहाँ पर क्या होगा, एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी, और एट लीस्ट बोला है मैंने यहाँ पर, एट लीस्ट यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडेंट क्लोज, पर उस सेंटेंस के अंदर जिसमें डिपेंडेंट क्लोज होने क्या है, नेसेसरी है, यानी एक ना एक डिपेंडेंट क्लोज होने ही चाहिए, और इससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो एक तो क्या होने चाहिए वहाँ पर, डिपेंडेंट क्लोज, और दूसरी कौन सी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इंडिपेंडेंट क्लोज कितनी भी हो, और डिपेंडेंट तो वहाँ पर होनी ही होनी चाहिए, और जहाँ पर डिपेंडेंट आ जाए, डिपेंडेंट का दूसरा नाम क्या होता है, सुबॉर्डिनेट क्लोज। तो कौन सा होता है, सुबॉर्डिनेट क्लोज। तो जहाँ पर डिपेंडेंट यानी कि सुबॉर्डिनेट क्लोज होगी, वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में आती है, तो वो कौन सा होगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज जरूर होती है। तो यहाँ पर है डिपेंडेंट क्लोज, हाँ है, तो कौन सी है ये, तो एक तो ये रही, और दूसरी आफ्टर से स्टार्ट हुआ है, आफ्टर क्या है, आफ्टर के बाद से स्टार्ट होने वाला क्या होगा हमारा, डिपेंडेंट क्लोज होगा। तो दो डिपेंडेंट क्लोज है हमारे पास यहाँ पर, दो इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये कौन सी हुई, कॉम्प्लेक्स हमारा सेंटेंस ये बनेगा, कौन सा हुआ ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए उसके बाद हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस क्या कहता है हमें, शी वॉन्टेड टू रीड द बुक्स, वह क्या पढ़ना चाहती थी, बुक्स पढ़ना चाहती थी, बट द बुक्स वर नॉट अवेलेबल, पर बुक्स अवेलेबल नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर शी वॉन्टेड टू रीड द बुक्स, वो बुक्स पढ़ना चाहती थी, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस। शी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, और बाकी बचा हुआ इसका क्या रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा। तो जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, एक वर्ब भी है साथ में, तो ये क्या हुई हमारी, कौन सी क्लोज हुई, ये हमारी होगी इंडिपेंडेंट क्लोज। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये है देखिए कोमा लगा हुआ है यहाँ पर, कोमा, कोमा के बाद क्या लगा हुआ है, बट, बट क्या है हमारी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितनी होती है, सेवन होती है, सेवन इन नंबर। तो देखिए सेवन कौन कौन सी है, मैंने आपको लर्न करवाया था, फैन बॉयज, फैन बॉयज, तो एफ से क्या होगा, फोर,
और देखिए ये जितने भी हैं आप एक बार जो लास्ट लेक्चर है वो आप देख लेना, फैन बॉयज से मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शंस याद करवाई थी तो वो आपको पता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, कोमा के बाद अगर ये कंजक्शन आती है तो आप समझ जाइए ये कि कौन सा सेंटेंस है ये, तो वो होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस, सेकेंड करवाया था जो मैंने कंपाउंड सेंटेंस, तो कौन सा रहेगा ये कंपाउंड सेंटेंस रहेगा जिसमें कोमा के बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है बट द बुक्स वर नॉट अवेलेबल, पर बुक्स अवेलेबल नहीं थी। यहाँ इसके बाद अगर हम देखते हैं द बुक्स वर नॉट अवेलेबल, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, पर ये जुड़ा किससे हुआ है तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों ही क्या होगी, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया था कि दोनों ही क्या रहेगी यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, इसमें एक भी सबॉर्डिनेट क्लोज नहीं होती, डिपेंडेंट क्लोज नहीं होती कंपाउंड सेंटेंस में, दोनों ही आपस में क्या रहेगी ये दोनों ही क्या है अपने आप में क्या है ये इंडिपेंडेंट है और जुड़ी किससे है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो कौन सा हुआ ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। अब देखिए फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ क्या कहता है हमें, आई ऑलवेज रीड द बुक्स, मैं हमेशा पुस्तकें पढ़ता हूँ, विच वॉज रिटन बाई जोहन किट्स, जो किसके द्वारा लिखी हुई थी किसके द्वारा लिखी हुई थी, जोहन किट्स के द्वारा। तो देखिए मैं हमेशा वही पुस्तकें पढ़ता हूँ जो किसके द्वारा लिखी हुई थी, जोहन किट्स के द्वारा लिखी हुई है, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज रिटन बाई जोहन किट्स। तो देखिए यहाँ पर आई ऑलवेज रीड द बुक्स, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है, विच वॉज रिटन बाई जोहन किट्स। अब देखिए यहाँ पर विच क्या करता है, हमसे एक क्वेश्चन करता है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर विच, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है ये हमारे पास, विच वॉज रिटन बाई जोहन किट्स, जो जोहन किट्स के द्वारा लिखी गई है। अब जो क्या करता है यहाँ पर एक आंसर बताता है, पर उसको क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन हमें मिलता है कि क्या है वो जो जोहन किट्स के द्वारा लिखी गई है, तो क्या है वो है हमारे पास बुक्स। तो देखिए इसका खुद का क्या है बेस नहीं है, तो ये हमारी कौन सी हुई डिपेंडेंट क्लोज हुई, डिपेंडेंट या फिर सबॉर्डिनेट अधीन है, जो किसके अधीन है यहाँ पर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लोज के ये अधीन है, तो जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरे डिपेंडेंट क्लोज आ जाए, यानी डिपेंडेंट क्लोज आपको देखते ही समझ जाना है किस पर डिपेंड करेगी, वो करेगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर डिपेंड ये करेगी, तो ये भी हमारा कौन सा हुआ डिपेंडेंट क्लोज है, तो समझ जाइए कौन सा हुआ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, कितना इजी है। अब देखिए सिक्स पर आ जाइए, आई ईट देम बोथ, मैं इन दोनों को खा जाऊंगा, नॉट ओनली द एप्पल, नॉट ओनली द एप्पल बट ऑल्सो द बनाना, तो देखिए यहाँ पर बट ऑल्सो, अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यानी कि बट ऑल्सो ये क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था, किस में करवाया था ये कीजिए याद, तो किस में करवाया था, तो ये मैंने करवाया था आपको कंपाउंड सेंटेंस में करवाया था, अगर याद हो तो आपको, तो मैंने आपको बताया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नोर आइदर और सो एज एज सो, ये सभी क्या होते हैं और भी इनके अलावा और भी हैं कुछ वर्ड्स, वे सभी क्या कहे जाते हैं, तो ये कही जाती है कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजक्शंस, ये कही जाती है जो रिलेट करती है किनको, दो चीज़ों को, कैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, और यहाँ पर ये रिलेट होने वाली चीज़ें क्या होगी सेम इम्पोर्टेंस की होगी, सेम सिग्निफिकेंस होगा उनका, सेम महत्व होगा, एक जैसा महत्व होगा, अगर ये फ्रूट है तो ये भी क्या है फ्रूट है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, आई ईट देम बोथ नॉट ओनली द एप्पल बट ऑल्सो द बनाना, तो यहाँ पर कौन सी कंजक्शन है कोरिलेटिव कंजक्शन, जहाँ भी कोरिलेटिव कंजक्शन हो तो कौन सा सेंटेंस होगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो, तो ये हुआ हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए द टूरिस्ट प्लेस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, द टूरिस्ट प्लेस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, कि टूरिस्ट प्लेस है डिस्ट्रॉय हो गया था किस चीज़ के द्वारा हो गया था फायर के द्वारा,
बट द होल टूरिस्ट वॉज सेव्ड, पर जितने भी टूरिस्ट थे वो बचा लिए गए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोमा दिख रहा होगा, कोमा देखते ही पहचान जाइए कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है ये। फिर भी अगर आपको पहचान नहीं आता, कोमा देखते ही क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए द टूरिस्ट प्लेस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, कि टूरिस्ट प्लेस क्या किया गया, फायर हो, फायर में, आग में ये जल गया था पूरा। बट कोमा के बाद क्या लगा है यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ बताया था आपको बट लगा हुआ था कोमा के बाद, बट है, फोर है, या फिर आप लगा लीजिए येट है। फैन बॉयज से आपको ये याद रखने हैं, एंड भी हो सकता है, नोर भी हो सकता है, पर नाइदर नोर आ जाए, यहाँ पर डिफरेंस देखना आप, नाइदर नोर, जब ये होंगे एक साथ और यहाँ पर सेम इम्पोर्टेंस के क्या हो गए हमारे पास, अलग अलग सब्जेक्ट आप कह सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हो, जब होंगे हमारे पास तो हमें क्या देखना है, नाइदर नोर एक साथ है तो ये कौन सी है हमारे पास, तो भी ये कंपाउंड है। और अगर क्या है फैन बॉयज, नोर अकेला भी आता है तो भी ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोमा के बाद बट लगा है तो ये कौन सा हुआ, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई डू नॉट गेट माई मोबाइल फ़ोन, यदि मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं मिला, I will not continue to talk with you, तो मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अब देखिए, if I do not get my mobile phone back, अब देखिए यहाँ पर if है, जो जहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि जो सबॉर्डिनेट क्लोज होगी, जब सबॉर्डिनेट क्लोज स्टार्टिंग में आती है तो यहाँ पर क्या लगा होता है, कोमा लगा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगी, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, आई विल नॉट कंटिन्यू टू टॉक विद यू, अपने आप में क्या है, ये एक पूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्य है, तो ये क्या हुई हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लोज ये हुई, क्योंकि इसका खुद का सब्जेक्ट है, खुद का प्रेडिकेट है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, इफ़ आई डू नॉट गेट माई मोबाइल फोन देन वट विल बी हैपन, वट विल बी happened, तो देखिए अगर मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिला तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसका आंसर कहाँ मिलता है, सेकंड सेंटेंस में मिलता है, सेकंड क्लोज में मिलता है, इंडिपेंडेंट क्लोज में मिलता है, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और ज़्यादा, तो ये हमारा क्या बना यहाँ पर, इस पर ये डिपेंड है, यानी कि ये क्या हुई, सबॉर्डिनेट क्लोज हुई, और ये क्या हुई हमारी, इंडिपेंडेंट क्लोज हुई। तो यहाँ पर क्या निकलेगा सेंटेंस, जहाँ भी सबॉर्डिनेट आ जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो हो गया आपको ये लर्न। अब देखिए नाइन्थ आता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अब यहाँ पर सेंटेंस आते ही हम अटक जाते हैं, यहीं फंस जाते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो देखिए यहाँ पर क्या सेंस निकल कर आती है, इसको अगर हम सॉल्व करें, ऑल इज All is not gold that glitters, भी सभी सोना नहीं होते जो चमकती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर क्या है, all that glitters is not gold, अब यहाँ all is not gold, वो सब सोना नहीं होते जो क्या करते हैं, चमकते हैं। अब अगर अकेला इस वाक्य को ले हम, तो that glitters, कौन ग्लिटर करता है, कौन चमकता है, तो इसका आंसर कहाँ है, जो गोल्ड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, यानी ये क्या है, एक सबॉर्डिनेट क्लोज हुई, अगर अलग अलग इनका अर्थ निकाले, और ये क्या हुई हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुई, ऑल इज नॉट गोल्ड एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसका खुद का मीनिंग है, पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये सबॉर्डिनेट क्लोज है। तो जहाँ पर एक भी सबॉर्डिनेट क्लोज आ जाए तो वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कौन सा होगा ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद देखिए, मिस्टर राम इज़ ए गुड मैन, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट थॉट है, तो ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को समझा होगा, और हर एक सेंटेंस को आप खुद से ही यहाँ पर बनाना सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।